सीएम येदियुरप्पा बोले, जीते 12 प्रत्याशियों में से 11 को बनाऊंगा कैबिनेट मंत्री। दिल्ली अग्निकांड में हादसे के लिए एमसीडी चेयरमैन ने दिल्ली सरकार को ठहराया जिम्मेदार। बिहार में मुजफ्फरपुर में एक तरफा प्यार में लड़की को जलाया, 80% जली, पीड़ित की हालत गंभीर। उन्नाव रेप केस में थानेदार समेत 7 पुलिसकर्मी सस्पेंड, लापरवाही का आरोप। अमित शाह बोले, धर्म के आधार पर विभाजन के कारण लाना पड़ा नागरिकता बिल। कर्नाटक उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने शानदार प्रदर्शन किया, 15 में से 12 सीटों पर बीजेपी प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की। इस जीत पर मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने खुशी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि जीतने वाले 12 प्रत्याशियों में से 11 को कैबिनेट मंत्री बनाया जाएगा। मैंने रानी बैन्नूर से जीते बीजेपी प्रत्याशी से वादा नहीं किया था, 11 मंत्री बनाने में कोई समस्या नहीं है, मैं अगले 3-4 दिनों में दिल्ली आऊंगा और अंतिम रूप दूंगा। दिल्ली के फिल्मिस्तान इलाके में लगी आग की घटना में 43 लोगों ने अपनी जान गंवा दी, वहीं इस पर राजनीति शुरू हो गई है। इतने बड़े हादसे की कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं हो रहा है। जहां एक तरफा दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने घटना के लिए दिल्ली नगर निगम को जिम्मेदार ठहराया था, वहीं अब एमसीडी ने गेंद दिल्ली सरकार के पाले में डाल दिया है। नॉर्थ एमसीडी के चेयरमैन जयप्रकाश ने हादसे को लेकर दिल्ली सरकार पर जमकर आरोप लगाया। सरकार पर आरोप लगाते हुए जयप्रकाश ने ये भी कहा कि उस पर फैक्ट्री में बच्चे भी काम कर रहे थे, श्रम विभाग ने इस पर कार्रवाई क्यों नहीं की। जयप्रकाश ने ये भी बताया कि इस घटना को लेकर हमने हाई लेवल बैठक बुलाई है, जिसमें सभी अधिकारियों को बुलाया गया है। बैठक के बाद ही सारा खुलासा हो पाएगा, फैक्ट्री के लिए लाइसेंस दिल्ली नगर निगम ने दिया था या नहीं। हैदराबाद और उन्नाव के बाद अब बिहार के मुजफ्फरपुर में भी एक लड़की को जिंदा जलाने का सनसनीखेज वारदात सामने आया है। मुजफ्फरपुर में एक तरफा प्यार में लड़की को जलाने का आरोप लगा है। डॉक्टर के मुताबिक लड़की 80% तक जल चुकी है। पुलिस ने आरोपी शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। पीड़ित की मां के मुताबिक लड़का 3 साल से पीछे पड़ा हुआ था। पीड़ित लड़की की मां ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि कई बार पुलिस को खबर देने के बावजूद पुलिस ने केस दर्ज नहीं किया। मां का आरोप है कि हर बार पुलिस लड़की की प्रतिष्ठा की बात कहकर समझौते के लिए दबाव डाल रही थी। वहीं घटना के संबंध में मेडिकल ओपी प्रभारी ने बताया कि मामले में पुलिस को जानकारी मिली है और पुलिस छानबीन कर रही है। उत्तर प्रदेश के उन्नाव रेप मामले में प्रशासन ने थानेदार समेत 7 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया है और सभी पर काम में लापरवाही बरतने और अपराध रोकने में नाकाम रहने का आरोप है। इससे पहले उन्नाव में आग के हवाले की गई बलात्कार पीड़िता के परिवार ने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की ओर से आश्वासन मिलने के बाद पीड़िता का अंतिम संस्कार किया। पीड़िता के परिजन ने कहा था कि वे पीड़िता का तब तक अंतिम संस्कार नहीं करेंगे जब तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनसे मिलने नहीं आते हैं। मृतका की बहन ने कहा था कि जब तक मुख्यमंत्री आदित्यनाथ मौके पर नहीं आते और कड़ी कार्रवाई का आश्वासन नहीं देते, तब तक अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा। करीब 90% तक झुलस चुकी युवती को एयरलिफ्ट कराकर दिल्ली के अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां शुक्रवार देर रात उसकी मौत हो गई थी। इस घटना को लेकर देश भर में रोष है। विपक्षी पार्टियां उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रही है। लोकसभा में नागरिकता संशोधन बिल पर चर्चा के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर निशाना साधा। अमित शाह ने कहा, अगर कांग्रेस ने देश का विभाजन धर्म के आधार पर नहीं किया होता तो इस बिल को लाने की नौबत आज नहीं पड़ती। किसने किया धर्म के आधार पर विभाजन? इस देश का विभाजन धर्म के आधार पर कांग्रेस पार्टी ने किया, हमने नहीं किया। इनको ये इतिहास सुनना पड़ेगा।